हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक बनाने वाले हैं मिनी रिचार्जेबल एलईडी लाइट, जो कि इमरजेंसी में आपके बहुत काम आने वाले हैं और इसको आप जो है कि की चेन में भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिएगा यहाँ पर कुछ एलईडी के पीसेस, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास 5mm की एलईडी यहाँ पर है। और एक हमें चाहिएगा यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट, जो कि आपको मोबाइल चार्जिंग के लिए मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर 5 रुपये में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बोतल का कैप, जो कि आपको 10 रुपये की स्प्राइट वगैरह किसी भी ड्रिंक का मिल जाएगा। और यहाँ पर हमको चाहिएगा एक मिनी बैटरी, जो कि आपको ब्लूटूथ जो होता है ईयरफोन उसके अंदर से आपको मिल जाएगी। तो ये मिनी बैटरी का भी बहुत अच्छा यहाँ पे यूज़ हम करने वाले हैं। और यहाँ पे कुछ एक पीवीसी पाइप का पीस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पे 2 होल कर लिया इस कैप में और इस एलईडी को आप देख सकते हैं। तो इस एलईडी को हम इसके ऊपर लगाने वाले हैं। तो इसके दोनों टर्मिनल, जो एक बड़ा वाला प्लस है और छोटा वाला जो है वो इसका माइनस है, तो इन दोनों को हम इस छेद में से निकालेंगे और इस एलईडी को ऊपर फिक्स कर देंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे टेप लगाने का रीज़न ये है दोस्तों कि हमारी जो बैटरी है वो एल्यूमिनियम फॉइल टाइप ऊपर से जो है, तो ये कहीं पे इसमें बहुत कॉम्पैक्ट जगह रहेगी, छोटा सा रहेगा, तो इसके अंदर कहीं पे शॉर्ट सर्किट ना हो, इसलिए हमने इस पर टेपिंग कर लिया। तो आपको इसका पूरा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्जिंग का जो हमने सॉकेट लिया है, इसको हमने कुछ इस प्रकार से होल कर इस कैप के अंदर फिट कर दिया है। तो इसका जो प्लस है और एलईडी का जो प्लस है और सॉकेट का माइनस और एलईडी का माइनस, दोनों को आपस में हम यहाँ पर सोल्डरिंग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे कि एलईडी का प्लस और यहाँ पर इस सॉकेट का प्लस और यहाँ पर एलईडी का माइनस और इस सॉकेट का माइनस को कुछ इस प्रकार से हम सोल्डरिंग कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल से कनेक्शन है दोस्तों, लेकिन आप यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा काम की जो ये चीज़ आपको मैं इस वीडियो में बनाकर दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड वाला प्लस है बैटरी का और नेगेटिव है ब्लैक वाला, जो कि आपको पहले से ही सब कुछ पता होगा। तो यहाँ पे आपको मैं चेक करवा देता हूँ किस प्रकार से काम कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम प्लस वाला जो है एलईडी का और चार्जिंग सॉकेट का, उसके ऊपर हम बैटरी का प्लस को लगा रहे हैं और यहाँ पे हम माइनस को डायरेक्ट इस पर नहीं लगाएंगे। हम इसमें यूज करेंगे एक जम्पर वायर का, जो कि कुछ एक छोटा सा वायर होगा। तो इसको आपको क्या करना है, एलईडी और सॉकेट का जो माइनस है इसमें हमको सोल्डरिंग कर लेना है एक छोटे से वायर के पीस को, जिससे कि ये हमारा जम्पर वायर भी यहाँ पर लग जाएगा। और फिर हमें चाहिएगा एक छोटा सा स्विच, जो कि मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, कुछ इस प्रकार का, जो कि आपको ख़राब ईयरफोन के अंदर से ईजिली मिल जाएगा। तो ये पुश बटन स्विच होता है। तो इसका आप देख सकते हैं फर्स्ट वाली पिन यहाँ पे होगी, तो सेल इसका नेक्स्ट कनेक्शन जो है इसके बिल्कुल सामने होगा, ऑपोजिट देख सकते हैं दोस्तों। इसमें कनेक्शन जो होता है कुछ इस तिरछे एंगल में होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बैटरी एलईडी का और चार्जिंग सॉकेट का माइनस जो है वो स्विच के एक टर्मिनल पर लगा दिया है, जैसा कि आपको मैंने यहाँ पर बताया है। तो कुछ इस प्रकार से सोल्डिंग आपको कर लेना है। तो उसके बाद हमें क्या करना होगा दोस्तों कि इसके जो प्लस है उसको मतलब जो बैटरी का माइनस हमारा जो बचा हुआ है उसको हम स्विच के दूसरी साइड वाला है फर्स्ट वाले एक पे हम सोल्डरिंग कर देंगे कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा इजी है, आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मुझे, अगर कुछ समझ में ना आए और वीडियो पसंद आए तो भी कमेंट कीजिएगा, वीडियो पसंद ना आए फिर भी कमेंट करके मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अगली वीडियो में सुधार कर सकूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे कनेक्शन जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये माइनस है, जो माइनस स्विच के थ्रू होकर बैटरी में जा रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, और ये जो प्लस है सॉकेट और एलईडी का, इसमें हमने बैटरी का प्लस डायरेक्टली लगा दिया है। तो ये हमारा रिचार्जेबल भी होने वाला है, तो बहुत कॉम्पैक्ट सी जगह में हम बहुत ही अच्छा और यूज़फुल जो गैजेट यहाँ पर बना रहे थे। तो इसको बनाने में यकीन मानिए दोस्तों बहुत मेहनत लगी है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसको दबाने पर किस प्रकार से ये यहाँ पर काम कर रहा है। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिए, ये वीडियो बिल्कुल सक्सेसफुल है और ये 100% वर्किंग है और कोई इसको फेक नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं यहाँ पर सब कुछ आपको रियल में टेस्ट करवा रहा हूँ लाइव टेस्ट के साथ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हमने पीवीसी का गोल सर्कल काटा है, उसमें एक छेद कर लिया, जिसमें हम इस स्विच को कुछ इस प्रकार से बैठा लेंगे और इस जो पीस को है इसके ऊपर हम कैप पे लगा देंगे कुछ इस प्रकार से, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ये पूरा बनके तैयार हो चुका है, तो अभी हम इसकी टेस्टिंग करेंगे, आपको नाइट टेस्टिंग भी इसकी दिखाएंगे कि इसकी ब्राइटनेस कैसी है और ये कितना छोटा है। आप यकीन मानिए, आप देख सकते हैं ये डिस्प्ले में आपको भले ही बड़ा दिख रहा है, लेकिन आप खुद यकीन मानिए कि इंच का है ये। आप बोतल कैप को देख लीजिए कितना छोटा होता है, उसके अंदर हमने रिचार्जेबल पूरा सिस्टम और बैटरी और ये कि आपको एक की चेन का भी यूज आप इसमें ले सकते हैं, जो कि आप गाड़ी के चाबी में या ताले की किसी भी चाबी में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बैटरी को चार्ज करेंगे, तो चार्ज कर मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा मोबाइल चार्जर है सिंपली वीवो वाला, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, सी टाइप केबल है। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसमें प्लग इन करेंगे तो इससे क्या होगा दोस्तों कि हमारी जो एलईडी है वो भी ब्राइटनेस के साथ जलेगी, तो ये हमारा सिग्नल है कि हमारा चार्जिंग चालू हो चुका है। ये जलती रहेगी जब तक चार्जिंग होगा और बैटरी भी चार्ज होती रहेगी।
तो यहाँ पे बैटरी कम एम्पियर पे ही चार्ज हो गया, चार्जर हाई एम्पियर का है, तो इसलिए हमने लाइट को जो डायरेक्ट ही अगर रह गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोनों काम इसका हो जाएगा, बैटरी भी चार्ज होती रहेगी और ये जो है आपका लैंप का काम भी कर देगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे कनेक्शन कम्प्लीट हो चुके हैं और सब कुछ बन के रेडी हो गया। तो अब इसका हम नाइट का टेस्टिंग आपको करवा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने चालू कर दिया है, तो यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे एक सीलिंग पेन जो पड़ा हुआ है, एक सीलिंग पेन यहाँ भी पड़ा हुआ है, और ये आप इस सिगड़ी इसको आप क्या बोलते हो कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे मेरा कुछ सामान, एक बैटरी पड़ी हुई आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक चार्जर इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल का। तो दोस्तों ये हमारा नाइट का विज़न मैंने आपको इस लाइट से बता दिया, छोटा है लेकिन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा काम का, और आप इसको कहीं पर भी लेके चले जा सकते हो। इतना छोटा है कि किसी भी जेब में आप इसको रख सकते हो। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी ऐसी अमेजिंग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा अपना और जुड़े रहिएगा टेक्निक से सद्दाम से।